सिद्ध करता हूँ आप सभी को। एक तारीख 5/10/2022 के दिन विजयादशमी महोत्सव को कोडिंदा शहर में बड़ी ही धामधूम से मनाया जाता है और हर साल की तरह इस साल भी इस महोत्सव को मनाने के लिए कोडिंदा जंगलेश्वर मंदिर में बड़ी ही धामधूम से इसकी तैयारियां चल रही है। तकरीबन 45 फीट लंबे रावण के पुतले को यहाँ पे बनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी विजयादशमी महोत्सव को मनाने के लिए कोडिनार जंगलेश्वर मंदिर में तकरीबन 45 फीट लंबे रावण को यहाँ पे बनाया जा रहा है और जल्द ही इसे नदी के पट यानी के अंबुजा सरोवर में खड़ा किया जाएगा। काड़ू भाई बारोट के जे विजयादशमी महोत्सव कमेटी ना कार्यकर्ता छे एमने पूछीशू के आ वर्षे क्या प्रकार नो आयोजन करेलू छे आपश्रीए। आगामी तारीख 5/10/2022 विजयादशमी महोत्सव समिति द्वारा रावण दहन नो भव्याती भव्य कार्यक्रम नो आयोजन करवामां आवेलुं छे अने आ कार्यक्रम अमारे जंगलेश्वर महादेवना मंदिर थी शोभायात्रा रूपे शुरू करी अने ऊना जापा त्यांथी यूनियन बैंक रोड थई आझाद चौक में थई अने एकता चौक थई अने कोळीचोरा चौक थई अने सरकारी दवाखाने थी नदीना पटमां एटले अंबुजा सरोवर जे आपणुं स्थळ छे रावण दहन माटेनुं ત્યાં પહોંચશે અને ત્યાં ભવ્યાતિ ભવ્ય અતિ સારામાં સારો આતશબાજીનો કાર્યક્રમ અને રાવણ દહનનો કાર્યક્રમ થશે। આ અંગે અમારા કાર્યકરો મિત્રો બધા સામે કામ કરી રહ્યા છે અને છેલ્લા 10-12 દિવસથી આ કામગીરી શરૂ છે અને સ્ટેચ્યુનું નિર્માણ કાર્ય ચાલુ છે। કેટલા ફૂટનું લગભગ તમે આ દર વર્ષે સ્ટેચ્યુ બનાવો છો? આ અમારો રાવણનું સ્ટેચ્યુ એવરેજ 45 ફૂટનું થાય છે। એમના સાથે ઓટા સાથેનું ગણતરી કરીએ તો 47-48 ફૂટની એમની હાઈટ છે। કાળુભાઈ બારોટે આપણને ખૂબ જ સરસ માહિતી આપી એના બદલ કાળુભાઈ શ્રીનું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। અગર યે વિડિયો અચ્છા લગે તો કર દીજીએ ઇસે લાઈક ઓર અગર આપ દેખના ચાહતે હૈ એસે ઓર વિડિયોઝ तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल को और पास ही में पड़े बेल आइकन को भी पुश कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे हमारे वीडियो की अपडेट वो भी जल्द से जल्द। धर्मेश भाई मनवाणी वो भी विजयादशमी महोत्सव कमेटी के कार्यकर्ता हैं और यात्रा विथ दमो के साथ नाम की खुद की एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जिसकी लिंक में मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिलहाल इनसे पूछेंगे कि विजयादशमी महोत्सव को कितने सालों से मनाया जा रहा है कोडिनार में और इसकी शुरुआत कैसे हुई। विजयादशमी महोत्सव समिति इसका गठन करीब करीब 25 से 35 साल पहले श्री आसुमल फतुमल कक्कड़ द्वारा किया गया। आज रावण को करीब करीब 32 या 35 साल हुए और ये हर वक्त नवरात्रा के बाद विजयादशमी का महोत्सव के विशाल काय रावण का स्टैचू का निर्माण करते हैं और इनमें भवानी सेवा मंडल ट्रस्ट और भवानी योग मंडल ये दोनों ही कार्यकर्ता एक साथ काम करते हैं। इस साल दशहरा का पर्व 5/10/2022 बुधवार के दिन सिंगौड़ा नदी यानी अंबुजा सरोवर के बीच में हवन का भी दहन होगा, आतिशबाजी भी भव्य होगी। तो आप सभी से मैं आमंत्रित करता हूँ आप सभी को कि तारीख 5/10/2022 के दिन अवश्य इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने। शोभा यात्रा का रूट जंगलेश्वर मंदिर से होकर ऊना जापा, गोंद्रा चौक, झूनी बाजार, एकता चौक, कोड़ीचोरा चौक, अजंता सिनेमा चौक, उसके बाद हरिओम चौक होके सीधे शिवाजी चौक, वहाँ से ये शोभा यात्रा पानी दरवाजे के होके नदी पर जाएगी और वहाँ एक घंटे के ऊपर ऊपर करीब करीब आतशबाजी का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। जय श्री राम। धर्मेंद्र भाई इतनी सारी माहिती आपने हमसे शेयर की इसके लिए आपका खूब खूब अभिनंदन।